रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द राइफा स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी मेल के थ्रू या डाक के थ्रू, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से लगाने हैं, क्या गलती की कोई संभावना है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा बिल्कुल प्रमाण के साथ। तो उसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होंगे, एक पेपर अलग से आएगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें, उसमें 4-5-6 पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, उसके आधार पर आपको सभी दस्तावेजों को कैसे किस दस्तावेज में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी जानकारी लिखी हुई है। तो वही मैं आपसे आज शेयर करूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, अगर सही समय पर आपको जवाब मिल जाए तो आपका वहम दूर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक लिखा हुआ है, एक दस्तावेज मेरे पास है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये देखिए सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये लेटर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेंगलोर डिविजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड अलॉटेड टू बेंगलोर डिविजन। आगे देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला जो पॉइंट होगा इसमें, अटेस्टेशन फॉर्म, जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म रहता है जिसमें सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, लिखा हुआ रहेगा सब कुछ। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्म फ्रॉम पेज 126, तो ये 126 इन टू ओरिजिनल सेट्स, तो दो ओरिजिनल सेट आपको देने होंगे। दी एनेक्श्योर सेकंड ऑफ पेज 6, तो जो पूरा फाइल आपके पास रहेगी उसमें पेज 6 का एनेक्श्योर सेकंड अर्थात सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर यू वर लास्टली कंप्लीटेड योर स्टडीज, जहाँ पे आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से उसे सर्टिफाइड कराना है। मतलब उस संस्था का जो भी हेड होगा, प्रिंसिपल हो या जो भी उस संस्था का हेड होता है, उससे आपको मान्य कराना है। फर्दर सेकंड पोर्शन ऑफ पेज 6, पेज 6 का ही सेकंड पोर्शन शुड बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है, या डीएम, एसडीएम या कलेक्टर, सब कलेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर शुड बी ऑब्टेंड इन वेरिएबली विद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन सील, ये ध्यान दीजिए डेजिग्नेशन सील, उनके पद की जो सील होती है, यानी कि डीएम से कराया तो डीएम अपनी एक पद की सील लगाएगा, एंड ऑल्सो ध्यान देना, एंड ऑल्सो राउंड ऑफिस सील, ये बहुत ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन सी सील लगवानी है, एक तो उसकी डेजिग्नेशन की सील होनी चाहिए, जिस व्यक्ति से सर्टिफाइड कराया वो क्या है, डीएम है, एसडीएम है, प्रधानाचार्य है, जो भी वो है वो सील होगी, और उसकी राउंड ऑफिस सील, तो दो सील हो जाती हैं जो मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूं इसमें इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, बहुत सारे लोग उसको देख के हेल्प ले चुके हैं, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो लगवा दूंगा, आप वहां जाके अटेस्टेशन फॉर्म में कौन सा पेज कैसे करवा रखा है वो सब चीज देख लेना। दूसरा जो है यहाँ पे, द सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इन पेज सेवन शुड बी ऑब्टेंड फ्रॉम सर्विंग टू डिफरेंट, ध्यान देना, सर्विंग फ्रॉम टू डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर्स, जो पेज नंबर 7 है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, उसको आपको दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से मान्य कराना है। इट मे प्लीज बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात है, दैट द अटेस्टेशन फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर्स इन पेज सेवन में जो अटेस्टेशन होगा गैजेटेड ऑफिसर से, शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिसर से होना चाहिए, एंड नॉट फ्रॉम द सेम ऑफिसर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन इन पेज एट में डिक्लेरेशन भी रहता है, शुड बी सर्टिफाइड बाय गैजेटेड ऑफिसर
ड्यूली अटेस्टिंग फोटो इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो जो पेज नंबर 8 है उसमें गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन कराना है फोटो को भी, मतलब फोटो पे सिग्नेचर और मोहर उसकी दोनों होंगी जिस ऑफिसर से आप करा रहे हो, ठीक है, पेज नंबर 8 में, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एफिडेविट टू बी स्वॉर्न बिफोर ए नोटरी इन रुपीज 20 स्टाम्प पेपर। एक 20 रुपए का आपको वो कराना है, एफिडेविट देना होता है वहां पे, वो भी आप करा लेना। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग टू फोटो कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये भी आप ध्यान रखें, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये जिनकी भी आपको टू फोटो कॉपीज लेके जानी है ये ओरिजिनल फॉर्म में भी आपको लेके जाने हैं। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आपकी लिखी रहेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब आपको रिपोर्ट करना है, कब आपको जाना है, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई होती है। यू आर हियर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट दिस ऑफिस ऑन दिस डेट विद अबाउट डॉक्यूमेंट्स ड्यूली फिल्ड इन एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे एट बेंगलुरु फॉर 4 to 5 days ड्यूली मेकिंग योर ओन अरेंजमेंट्स। ये जो कार्यक्रम होता है इसमें 1, 2, 3, 4 दिन का समय लग सकता है। तो रेलवे जैसे मेडिकल में आपको सलाह दी गई थी 1 हफ्ते 10 दिन का समय का आप तैयारी करके आए, सेम वैसे ही 1 हफ्ते 10 दिन की तैयारी करके आपको जाना होता है अपने खुद के अरेंजमेंट करके, ठीक है, ताकि आपको वहां पे ठहरने रुकने की कोई परेशानी ना हो, ठीक, सब चीजें लिखी होती हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल इज सेंड टू योर रेजिडेंशियल एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर भेजे जाएंगे या भेज दिए जाते हैं, इस तरह से होता है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल ओरिजिनल इन डुप्लीकेट इज सेंड टू योर रेजिडेंशियल एड्रेस एज इंडिकेटेड इन योर RRC एप्लीकेशन। जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस दिया हुआ है उस पर ही डाक के थ्रू आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा। वन कॉपी ऑफ द ऑफर मे प्लीज बी सबमिटेड टू दिस ऑफिस। तो एक कॉपी तो आपको ऑफिस में जमा करनी है ड्यूली एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। अभी सब चीजें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक, आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आपका बने इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें, ये सारे दस्तावेज लगेंगे। आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या EWS फिर से जरूरत पड़ेगा, EBC फिर से दिखाना है, लगाना है, बहुत सारे तरह तरह के सवाल, तो ये दस्तावेज आपके लगेंगे वहां पे। और जो पूरा एक वीडियो है कंप्लीट कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ क्या भरा जाएगा, उसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो सभी चीज आप जा करके देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। और सारे दस्तावेज जो जो लगाए गए थे वो मेरे खुद के दस्तावेज हैं, तो वहां पे आप जाके देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक हमने नया चैनल स्टार्ट किया है TLS कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, कंप्यूटर की सारी अच्छी अच्छी वीडियोस वहां पे उपलब्ध होती हैं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट तो आप एक बार जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।